हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कपिल है और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो आरआरबी अजमेर जोन से था, जो कि 19 जून को मुझे दिया गया था। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 16 तारीख से ही मैंने अंकुर भाई का चैनल देखना स्टार्ट किया, पीक स्टडी, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, किस तरह की दिक्कत आ सकती है और उसे किस तरह से दूर किया जाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में तो अंकुर भाई ने आपके सारे डाउट क्लियर कर ही दिए हैं अब तक। तो जो हमारे जो मेडिकल मिला था वो मिला था बीकानेर के लिए, बीकानेर जो हॉस्पिटल है रेलवे का, और 20 तारीख को हमें मेडिकल दिया गया बीकानेर में। तो बीकानेर जो डिविजनल हॉस्पिटल है उसके वहाँ पे मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर हुआ, स्टाफ कैसा था, डॉक्टर्स कैसे थे और किस तरह से आपका मेडिकल हुआ, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मेजरली वो क्या चेक कर रहे हैं, तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। तो हमें 9 बजे का टाइम दिया गया था सुबह, तो हम सभी सुबह 9 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। और हालांकि उस दिन बीकानेर में फर्स्ट टाइम मेडिकल स्टार्ट हो रहा था, उस दिन पहली पहला दिन था कि जब बीकानेर में मेडिकल शुरू हो रहे थे बच्चों के। हालांकि अजमेर जोन में आपके 4 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मेडिकल हो रहा है, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में और बीकानेर में। वो रैंडमली दे रहे हैं, आपसे चॉइस नहीं पूछ रहे, रैंडमली आपको मेमो दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने वेट किया, 10 साढ़े 10 बजे तक डॉक्टर्स आए, 2 डॉक्टर्स थे, ठीक है। उसके बाद हमें बुला लिया गया, बाहर लॉबी में बिठाया गया और एक कॉन्फ्रेंस हॉल था उसके अंदर डॉक्टर्स बैठे थे, फिर हमें अंदर बुला लिया गया और 2 ग्रुप्स में हमें डिवाइड कर दिया गया। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने किस बेसिस पे हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, सीरियली किया, रैंडमली किया, वो मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो दोनों तरफ आमने सामने 2 ग्रुप्स को बिठाया गया, यानी कि 25 बच्चे होते हैं, तो एक में 12, एक में 13। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी अटेंडेंस हुई, एक हमें फॉर्म दिया गया, उसके अंदर हमें अपनी डिटेल्स भरनी थी और उसमें कुछ चीज़ें थी जैसे कि आपका ये कभी ज़िंदगी में आपको फ्रैक्चर हुआ है, कोई सिर की चोट लगी है, कभी कुछ नशा करते हो, ऐसी सिंपल चीज़ें थी, उसमें आपने लिखना नहीं, वो आपको बता देंगे क्या करना है। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे हर्निया का, हाइड्रोसिल का या पाइल्स का, तो वो वहाँ पे आपसे पूछते हैं अटेंडेंस के टाइम पे कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप कॉन्फिडेंस से वहाँ पे अपना हाथ रेज कीजिए, अपना हैंड रेज करके, और आप उनको बता सकते हैं कि सर मेरा हर्निया का ऑपरेट हुआ है, मेरा पाइल्स का ऑपरेट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो आपको अटेंडेंस वाली जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें ऐसा, उसमें पाइल्स और हर्निया ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो हमने उनसे पूछा, मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, उसने हर्निया का ऑपरेट करवाया था, उसने बोला सर मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, क्या मुझे लिखना है इसके अंदर अलग से, बोला कुछ नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खुद का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ 1 साल पहले और मैंने हैंड रेज किया, मैंने बोला सर मेरा पाइल्स का ऑपरेटेड हुआ है 1 साल पहले, तो क्या मुझे मेंशन करना है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंशन नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता देना है अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, कभी कुछ मेजर कोई सर्जरी वगैरह या लेसिक लेजर खास करके, तो आपको उनको बताना है, अगर आप बता दोगे तो आपको वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 ग्रुप्स बनाए गए 2 डॉक्टर्स के, और फिर 2 ग्रुप्स के भी 4 ग्रुप्स कर दिए गए, यानी कि 2 मेन्स ग्रुप, जो 2 ग्रुप थे मेन डॉक्टर्स के, एक ग्रुप के अंदर एक डॉक्टर के 12 बच्चे, दूसरे डॉक्टर के 12 बच्चे। उसके बाद उन्होंने फिर 6 6 बंदों के ग्रुप बनाए, तो साइमल्टेनियसली साथ साथ कुछ बच्चों का ब्लड टेस्ट चल रहा था, कुछ बच्चों का एक्सरे हो रहा था, कुछ बच्चों का ECG हो रहा था, और कुछ बच्चों का क्या था कि फिजिकल जो जनरल फिटनेस है, जैसे आपको सबसे पहले तो वो अंदर बुलाएंगे एक एक करके, डॉक्टर के अपने पास बिठाएगा, आपको बोलेगा कि जो नियर विजन टेस्ट होता है, छोटी लाइन पढ़वाएगा 3 4, दो एक आंख बंद करेगा फिर दूसरी करेगा, उसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट लेगा वो, उसके पास एक बुक होती है 24 25 पन्नों की, उसमें नंबर्स होते हैं, कुछ मेज होते हैं, वो आपको करने होते हैं, ठीक है। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो आपका एक पार्टीशन कर रखा होगा उस कॉन्फ्रेंस हॉल में ही, वहां पे बोलेगा आपको अंडरवेयर में, वहां पे अंडरवेयर के अलावा बाकी सारे कपड़े उतार दीजिए, वो आपको चेक करेगा, आपका मुंह खोल के चेक करेगा, आपके दांत वगैरह चेक करेगा, फिर आपसे बोलेगा नीचे बैठने को, पैरों के पैरों पैरों पे नीचे बैठने को बोलेगा, ठीक है। तो फिर आपको सिटअप्स करने के लिए बोलेगा, उठक बैठक करने के लिए बोलेगा, 10 15 बार करवाएगा आपसे। उसके बाद आपको बोलेगा कि आप नीचे बैठिए चौकड़ी लगा के, और आपको बोलेगा कि बिना हाथ की सपोर्ट लिए आप हाथ आगे करिए और इसके खड़े होकर दिखाइए मुझे। उसके बाद क्या था आपका, फिर जो है पीछे बोलेगा टर्न करने के लिए, पीछे से चेक करेगा, फिर
ऐसा कुछ चेक वैसा कुछ दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा कुछ कोई ऐसा कोई ऐसा कोई सीरी कोई क्रूशियल कोई क्रिटिकली कुछ चेक नहीं कर रहे। फिर आपको बोलेगा कि आपने अपने कपड़े जो है बिल्कुल नेक न्यूड होना है, और फिर आपको बोलेगा गर्दन को घुमा के आपको खांसने के लिए, शायद उससे मुझे क्या लगता है शायद हर्निया या हाइड्रोसीट का टेस्ट करते होंगे वो। बस फिर उसमें 5 मिनट लगेंगे हार्डली, फिर आपको बोलेगा कपड़े पहनो और चलो जाओ बाहर। ठीक है, तो उसके बाद लंच टाइम हो गया था, तब तक तो हमें बोला गया कि आप अभी 1:30-2 बजे का टाइम था कि आप जाइए खाना खाइए और 3-3:30 बजे दोबारा आ जाइए। तब दोस्तों हमारा स्टार्ट हुआ आई टेस्ट, जो कि है सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं, जिनको A1 नहीं मिल पा रहा। एक्चुअल में जो आप आई टेस्ट करवाते हो हॉस्पिटल में, जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया था, वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो इजी होता, हर बंदा कर लेता। पर जो एक्चुअल का जो आई का टेस्ट है, वो 6x6 6 मीटर की दूरी से 6 mm का अक्षर देखना, वो काफी टफ है। तो जितने बच्चे थे, मैंने यही सुनने में आया कि क्लियर नहीं दिखता कुछ भी, बहुत दूर होता है, आपको आइडिया लगता है, बिल्कुल आइडिया लगता है आपको, बिल्कुल क्लियर दिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको पहले आपका होगा डिस्टेंस विजन टेस्ट। उसमें क्या करेगा, पहले आपकी आंख को चेक करेगा इस तरह से, आंख में ना ऐसे करके बहुत ज्यादा इस तरह थोड़ा प्रेशर डाल के फिर लाइट मारेगा बैटरी से कि आपके लेंस तो नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपको बोलेगा कि अब आपको एक आंख को बंद करना है, वहां पे एक लगाना है आपको जैसे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, और आपको दूर देखना है। फिर वो बार बार घुमाता है उसको, कौन सी डायरेक्शन में, पूछता है आपसे कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। कम से कम एक आंख से 10-15 बार, दूसरी आंख से 10 बार। फिर बोलता है कि दोनों आंखों को खोल लो, फिर वो उसके अंदर डिम लाइट करता है बिल्कुल येलो कलर की, और फिर उसके अंदर पूछता है। तो सबसे मुश्किल स्टेप पूरे मेडिकल का यही था। उसके बाद आपका फॉगिंग टेस्ट है, कुछ लाइट्स के कलर्स वगैरह दिखाएंगे आपको, कौन सा वो बिल्कुल डिम लाइट होती है कि कौन सा कलर है, येलो है, रेड है, ब्लू है, ऐसा कुछ। उसके बाद आपका था एक बाइनोकुलर विजन, 2 नंबर का कुछ ग्लास डालते हैं आपकी आंख में, फिर आपको दिखाते हैं वही सी वाला पार्ट कि आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपके नंबर है, तो आपको वो ब्लर दिखेगा वो चश्मा लगाने के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर वो करते हैं फंडस टेस्ट, जिसके अंदर ये पता लगता है कि आपका कोई लेसिक वगैरह का कोई ऑपरेशन तो नहीं है। फिर दोस्तों हमें शाम को 7 बजे बोला गया कि आप जाइए अब खाना खुना खाइए और 9 बजे फिर आ जाइए रात को, क्योंकि नाइट ड्यूटी पे जो डॉक्टर था आई वाला, वो आएगा, वो आपकी आंख में दवाई डालता है, आधा घंटा वेट करना पड़ता है। उसके बाद वो आंख में एक इंस्ट्रूमेंट से लाइट वगैरह की रोशनी मार के नज़दीक से और दूर से चेक करता है। हार्डली 2-4 मिनट लगते हैं चेक करने में, पर हाँ दवाई डाल के थोड़ा वेट करना पड़ता है आधे घंटे करीब, तो वो फिर चेक करता है। वो भी जनरली सब बच्चों का ओके आता है, अगर किसी का लेसी का ऑपरेशन नहीं हुआ है तो। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमें बोला गया कि अब आपको अगले दिन सुबह 9 बजे फिर आना है। फिर क्या हुआ, एक छोटा सा आई का टेस्ट और था, शायद बाइनोकुलर वाला, शायद वो नेक्स्ट डे हुआ था। और फिर हमें 11 बजे के करीब इकट्ठा किया गया और बताया गया कि आपको A1 मिलेगा या नहीं मिल पाएगा आपको। हालांकि हम बाहर थे, हमारा कोई और टेस्ट होना था, मेरा एक्सरे के अंदर थोड़ा हार्ट का साइज बड़ा हुआ था, तो वो बोले आपको PVM बीकानेर में हॉस्पिटल में जाके ना वहाँ पे आपको इको कार्डियोग्राफी करानी है। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ हमने इको कार्डियोग्राफी कराई, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, बच्चों का कैंप था, बड़ी रिक्वेस्ट करी, वरना 2-3 दिन हमें एक्स्ट्रा लग जाते। तो वो हम रिपोर्ट लेके आए, तब तक हमारे ग्रुप को उन्होंने फ्री करके भेज दिया था, और हमारे को वो हमारे टेस्ट लिए आई वाले बायनोकुलर वाले, 2-4 मिनट लगे उसके अंदर। उसके बाद हमें हमारे साइन करवाए, 3 जगह अंगूठे लगवाए, और डॉक्टर साहब से हमने पूछ लिया जाते वक्त, किस डॉक्टर साहब कि हमारा ठीक है ना सर, A1 है ना सर हमारा, कहते हाँ बेटा आपका A1 है। और लास्ट में ये बोला गया कि आगे आने वाले 6 साल तक आपको इसी तरह अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है, इसी तरह अपनी आईज को मेंटेन करना है। तो इससे हमें और श्योर हो गया कि हाँ हमारा A1 ही है। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस था। बाकी हाँ, स्टाफ के बारे में बताऊँ आपको, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, डॉक्टर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है। ठीक है, थोड़ी गर्मी है, दिक्कत आ सकती है गर्मी की वजह से, बाकी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, जब हो जाएगा तो आप बड़ा रिलीव फील करेंगे। बाकी ये है कि डॉक्टर्स ने जिन बंदों का फर्स्ट टाइम आईज में प्रॉब्लम आई, उन्होंने उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी बार बार उन्होंने उसको क्रॉस चेक किया कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, या कहीं बच्चे से गलती तो नहीं हो रही है। तो मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था और ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था। सो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू।